Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about वातला और वातिकी योनिव्यापद, जो वातज योनिव्यापद का एक प्रकार है। So, इसके पिछले वीडियोस में हमने वातज योनिव्यापद की संख्या, उसके क्लासिफिकेशन और उसके निदान, सामान्य निदान के बारे में डिस्कशन किया था। वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। सो टुडे इन वातला योनिव्यापद और वातिकी योनिव्यापद अकॉर्डिंग टू चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30th चैप्टर श्लोक नंबर 9 and 11 he says वातला आहार चेष्टाया वातलयाः समीरणः विवृद्धो योनिम् आश्रित्य योने सतोद सवेदनम् स्तंभम पिपीलिका सुप्तिम इव कर्कशताम तथा करोति सुप्तिम आयासम वातजांश्च अपरान गदान स स्याद स शब्द रुख फेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलाद। सो ये जो पूरा श्लोक है इसे हम 3 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज निदान ऑफ वातिकी योनिव्यापद, सेकेंड पार्ट इज संप्राप्ति ऑफ वातिकी योनिव्यापद एंड थर्ड पार्ट इज लक्षण ऑफ वातिकी योनिव्यापद। और लक्षण जो है वातिकी योनिव्यापद की उसमें भी लोकल योनिगत सिम्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलेटेड सिम्टम्स। यहाँ पे योनि का मतलब आपको सिर्फ वजाइना नहीं लेना है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसमें इंक्लूड होगा। सेकंड पोर्शन है दैट इज जनरलाइज्ड सिम्टम जो पूरी बॉडी में डेवलप होते हैं। देन थर्ड पार्ट जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलेटेड सिम्टम जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल ब्लड और बॉडी में कहीं पे ये सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक जो है वो डिवाइड होगा। सो निदान जो है उसमें क्लासिक में मेंशन किया है, जो सामान्य योनिव्यापद के निदान है वो तो आपको यहाँ पे मान के ही चलना है। उसके अलावा यदि वात प्रकृति की जो स्त्री होती है जो वातज आहार ऐसे फूड आइटम्स जो वात को इंक्रीज करता है एंड चेष्टायाः यानी कि विहार यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल जिससे वात जो है वो बढ़ता है, जैसे रात्रि जागरण हो गया, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव कोइटल एक्ट, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। फिर बाद में संप्राप्ति कैसे डेवलप होती है यहाँ पे, सो ड्यू टू दीज निदान सेवन वात प्रकोप होता है एंड देन जो प्रकोपित वायु होता है वो योनिम आश्रित्य यानी कि वायु रीचेस द योनि और रिप्रोडक्टिव ट्रैक और ऑर्गन्स एंड देन ये जो लक्षण हमने 3 पार्ट में डिस्कस किए वो लक्षण जो है वो डेवलप होते हैं। सो अब हम देखेंगे कैसे कैसे ये लक्षण जो है वो डेवलप होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल सिम्टम्स जो मेंशन किए हैं दैट इज योने सतोद सवेदनम यानी कि तोदा मीन्स प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन एंड वेदना मीन्स वातिकी ओरिजिन पेन। देन स्तंभ, स्तंभ मीन्स स्टिफनेस। तो ये जो स्तंभ और स्टिफनेस जो है वो वजाइनल ओरिजिनेटेड भी रहती है और इवन यूटेराइन ओरिजिनेटेड भी रहती है। सो जनरली इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस के साथ कोरिलेट करते हैं। सो कई बार क्या होता है ड्यू टू ये जो एंडोमेट्रियोसिस रहता है वो कई बार मायोमेट्रियल लेयर में भी रहता है या यूटेरस के जो सपोर्ट्स है ब्रॉड लिगामेंट उसमें भी रहता है। तो वहां पे फॉल्स एंडोमेट्रियम के ग्रोथ की वजह से या तो यूटेरस की साइज बढ़ने की वजह से उसकी जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टिफनेस जैसा सिम्टम यूटेरस में डेवलप होता है। देन पिपलिका सुप्तिमिव मींस सेंसेशन एज इफ क्रीपिंग ऑफ एंट्स यानी कि जैसे चीटियाँ चल रही हो यानी कि ये नर्वाइन सिम्टम है। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं लोग कि प्रोलॉन्ग टाइम से बैठने की वजह से या कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रेशर आने की वजह से वहाँ पे माइल्ड नम्बनेस के साथ साथ कुछ मूव हो रहा हो वैसी फीलिंग आती है। तो ये सेम यहाँ पे है। देन कर्कशता मीन्स रफनेस, रफनेस स्पेसिफिकली इन वजाइना। देन सुप्ति, सुप्ति मीन्स नम्बनेस दैट इज लॉस ऑफ सेंसेशन। देन जनरलाइज जो सिम्टम है दैट इज आयास मीन्स फैटिक और लेथार्जी एंड उसके अलावा जो दूसरे जो वातिक डिसऑर्डर है, दूसरे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो सब डिसऑर्डर भी इसके साथ साथ डेवलप हो सकते हैं। देन मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलेटेड जो सिम्टम्स है स शब्द रुक फेना, तनु एंड रूक्षा, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो साउंड के साथ अपीयर होता है, पेनफुल होता है, फ्रोथी होता है और थिन एंड ड्राई होता है। ड्राई मीन्स एब्सेंस ऑफ म्यूकस। सो थिन यानी कि अगर क्लॉट्स नहीं है तो वो वाटरी होता है। देन क्वांटिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो फ्रोथी हो जाता है एंड पेनफुल, वातज इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को डिस्मेनोरिया भी इसमें रहेगा। देन एब्सेंस ऑफ म्यूकस मीन्स बिकॉज ऑफ वायु, अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है तो वहां पे जो ग्लैंड्स रहती है, मल्टीपल न्यूमरस ग्लैंड्स, जहां से म्यूकस सेक्रीशन होता है और वो मेंस्ट्रुअल ब्लड में मिक्स होता है, तो उसके लैक्यूना की वजह से और वो एब्सेंट होने की वजह से भी ब्लड जो है वो विदाउट म्यूकस रहेगा और वो ड्राई अपीयरेंस देगा। इन अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, चक्रपाणी टीका में लिखा है specifically about this sa shabd ruk fena tanu ruksha. So here we can see sa shabd ruk fena tanu ruksha arte veti andruta pyevam bhutartava bhavati tena vatik pradara rupeyam yoni vyapad. So which means ki intermenstrual bleeding जो है अगर वो इस तरीके से है सशब्द रुक फेन तनु रुक्षा, तो उसके साथ हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं और वातिक अश्रुप दर के सिम्टम्स को भी हम वातिकी योनिव्यापद के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फिर सुश्रुत संहिता, माधव निदान, भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर क्लासिक्स के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस है उसमें सेम सिमिलर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो रेफरेंसेस सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 38 चैप्टर 11 श्लोक नंबर, माधव निदान 62 चैप्टर 4 श्लोक नंबर, भाव प्रकाश चिकित्सा 70 चैप्टर 7 श्लोक नंबर एंड योग रत्नाकर योनिरोग अधिकार। सो उनके अकॉर्डिंग एक ही लाइन है, वातला, कर्कशा, स्तब्धा, शूल, निस्तोद, पीड़िता। यहाँ पे कोई निदान संप्राप्ति स्पेसिफिकली नहीं दी है, ओनली सिम्टम्स ही दिए हैं। कर्कशा मीन्स रफनेस, स्तब्धा मीन्स स्टिफनेस, निस्तोद मीन्स प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन एंड शूल मीन्स एक्यूट वेराइटी ऑफ पेन। सो यहाँ पे भाव प्रकाश चिकित्सा में जो 70 चैप्टर 7 श्लोक नंबर है वहां पे टीका दी गई है कि वातलायाम त्वम अतिवात वेदना बोधव्या। मीन्स ये जो वातिकी टाइप ऑफ योनिव्यापद है अंडर वातज योनिव्यापद, उस स्पेसिफिक योनिव्यापद में दूसरे वातज योनि रोग के कंपेयर पेन बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि त्वम अतिवात वेदना। देन अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय रेफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट चरक संहिता के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है दैट वी विल डिस्कस। So first of all, I'll read out this slok that yono kruddo anilah kurya drukto ayama suptata, druktoda ayama and suptata, pipalika suptimiva stambam karkashatam swanam fenila aruna krishna alpa tanu ruksha artava struti brahmsha vankshana parshvado vyatham gulmam kramena cha ताम्स ताम्स च स्वान गदान व्यापद वातिकीनाम सा स्मृता। एज पर अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 33 चैप्टर 29 31 श्लोक नंबर सेम रेफरेंस है जो अष्टांग संग्रह में लिखा है। सो उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सो हियर फर्दर अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में अरुण टीका में ये लिखा गया है स्पेसिफिकली ये स्वान गदान वर्ड के लिए कि स्वनम योनि मुखापत्यो वातस्व निर्गमनम, यानी कि योनि मुख पे जैसे वायु का निर्गमन हो रहा है वैसी फीलिंग जो है उसे स्वान के साथ कोरिलेट किया गया है, यानी कि वजाइनल फ्लैटुलेंस नाम की एक कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्वान यानी कि योनि मुख से वात का निर्गमन हो रहा हो उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सो इन डिटेल विल सी हियर लोकल सिम्टम जो है उसमें कुरियात रुक तोद आयाम सुप्तता, तो उसमें ये जो रुक है प्रिकिंग पेन एंड अदर पेन वो वातिक की जो चरक संहिता के अकॉर्डिंग है उसके से सिमिलर ही है। मेनली ये जो आयाम है दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियोसिस में ये जो यूट्रस है उसकी साइज बढ़ जाती है, खास तौर पे मायोमेट्रियम में जब एंडोमेट्रियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उसका साइज बढ़ने की वजह से, यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से वहां पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। तो आयाम जो है वो उसके साथ हम ले सकते हैं। देन स्तंभ स्टिफनेस, पीपली का सुप्तिमिवा सेम है अकॉर्डिंग टू चरक। देन कर्कशता रफनेस, दिस इज ऑल्सो सेम। नेक्स्ट इज स्वनम, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। स्वनम मीन्स योनि मुखापत्यो वातस्व निर्गमनम, विच मीन्स वजाइनल फ्लैटस। देन ब्रह्मश, Brahmsha means reproductive organ displacement. So because this is also a specific or a separate explanation according to Vagbhat. Then generalized symptom में वंक्षण Parshvado Vyatha means pain in or discomfort in flank and groin. So generally endometriosis में भी ऐसा ही होता है कि abnormal place पे endometrium grow होने की वजह से externally जहाँ पे वो grow हुआ रहता है वहाँ पे ऐसे symptoms जो है वो develop होते हैं। Then gulma and other disorder of Vath. Then menstrual blood symptoms में जो फेनिला है वो सिमिलर रेफरेंस है चरक संहिता के अकॉर्डिंग। देन अरुण कृष्णा एंड अल्प, अरुण मीन्स पिंकिश डिस्कलरेशन, ब्लैकिश दैट इज कृष्णा, अल्प मीन्स स्कैंटी, उसकी जो क्वांटिटी है वो स्कैंटी रहती है, कम रहती है। देन तनु थिन एंड ड्राई दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ म्यूकस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। So with this condition we can correlate to endometriosis with laxity of perineum, क्योंकि जो कि यहाँ पे वाग्भट संहिता के अकॉर्डिंग भ्रंश भी एक सिम्टम है और बाकी सारे जो सिम्टम्स है वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ मैच हो रहे हैं। जनरलाइज सिम्टम जो है वो एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा फॉर्म होने की वजह से, वहाँ पे ग्रोथ होने की वजह से डेवलप होते हैं। लोकल जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये सारे सिम्टम्स भी एंडोमेट्रियोसिस में रहते हैं। एंड लैक्सिटी ऑफ पेरिनियम जो है उसे हम भ्रंश के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। देन चिकित्सा में देखें तो चिकित्सा सिद्धांत में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू चरक संहिता चिकित्सा स्थान 38 चैप्टर श्लोक नंबर 41 इट सेज स्नेहन स्वेद वस्त्यादि वातजास्व अनिलापहम, यानी कि स्नेहन कर्म दैट इज ओलिएशन इंटरनल और एक्सटर्नल, देन स्वेदन कर्म दैट इज स्यूडेशन एंड बस्ती, बस्ती जो है वो योनि मार्ग और गुद मार्ग दोनों इंक्लूड होते हैं यहाँ पे एंड वो वातहर ड्रग से दी जाती है। देन इन जनरल जो है वात व्याधि की जो चिकित्सा है वो भी यहाँ पे आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। सो दैट रेफरेंसेस चरक संहिता चिकित्सा स्थान 38 चैप्टर 47 श्लोक नंबर वात व्याधि हरम कर्म वातार्तानम सदा हितम। देन सेम चैप्टर सेम संहिता रेफरेंस श्लोक नंबर इज 61 इट सेज वातार्तानाम च योनिनाम सेक अभ्यंग पिच्चु क्रिया है, यानी कि लोकल प्रोसीजर में। सो यहाँ पे शोधन चिकित्सा भी आ गई पूर्व कर्म के साथ बस्ती। देन औषध चिकित्सा में सामान्य वात व्याधिहर चिकित्सा कर सकते हैं और लोकल चिकित्सा में वजाइनल रीजन में योनि प्रदेश में सेक यानी कि योनि प्रक्षालन और इरिगेशन करके, देन योनि मसाज दैट इज योनि अभ्यंग विथ तैल प्रोसेस्ड इन उष्ण एंड स्निग्ध ड्रग्स, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे उष्ण एंड स्निग्ध ड्रग्स। एंड पिच्चू क्रिया, पिच्चू भी जो है टेम्पुन वो भी सेम उष्ण एंड स्निग्ध ड्रग्स से प्रोसेस्ड तेल से ही किया जाता है। सो फर्दर उन्होंने एक्सटेंशन में मेंशन किया है श्लोक के एक्सटेंशन में दैट इज उष्णाः स्निग्धाः प्रकर्तव्यस्तैलानि स्नेहानि च। देन फर्दर अकॉर्डिंग टू चरक संहिता चिकित्सा स्थान 38 चैप्टर श्लोक नंबर 110 तैवृतम स्नेहनम स्वेदो ग्राम्य आनुप ओदक रसाः। सो हियर तैवृत मीन्स सर्पी तैल एंड वसा, जो चतुस्नेह है उसमें से कोई भी तीन स्नेह स्पेसिफिकली फर्स्ट थ्री वो यूज किए जाते हैं फॉर स्नेहन कर्म, फॉर स्वेदन कर्म एंड ग्राम्य आनुप उदक मांसरस जो है उसका ओरली सेवन किया करने के लिए सजेस्ट किया है। देन बस्ती के लिए दशमूल पय यानी कि दशमूल साधित क्षीर बस्ती उन्होंने मेंशन की है, जो सेम उत्तर बस्ती एज वेल एज अनुआसन बस्ती भी एडवाइस हम कर सकते हैं। देन फर्दर इवन जो तैवृत मेंशन किए हैं यानी कि सर्पी तेल एंड वसा उसके कॉम्बिनेशन से भी उत्तर बस्ती एंड अनुआसन बस्ती जो है वो एडवाइस हम कर सकते हैं पेशेंट। Then further, Bhav Prakash Chikitsa Sthan, 70 chapter, 37 श्लोक number. Yoni and Yoga Ratnakar, Yoni Rog Adhikar में जो स्पेसिफिक सिम्टम है वातला के कर्कशता, स्तब्धता और अल्पस्पर्श के लिए उन्होंने स्वेदन कर्म सजेस्ट किया है और उसमें भी जो स्वेदन का प्रकार है कुंभी स्वेद, वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है. कुंभी स्वेद मीन सुडेशन विथ वेपर फ्रॉम एन ईवर इन क्लोज्ड रूम. देन योनि पिच्छु उन्होंने सजेस्ट किया है विथ ओनली तिल तैल. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर, कुंभी स्वेद एंड तिल तैल योनि पिच्छु. Then further in detail स्वेदन कर्म मेंशन किया गया है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30th चैप्टर में. उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल उदका आनुपर जे मांसेहि क्षीरेहि स तिल तंडुलेहि स वातघ्न औषधे नाड़ी कुंभी स्वेदे उपचरेत उक्ताम लवण तैलेन सा अश्म प्रस्तर संकरेहि स्विन्ना क उष्णांबु सिक्तांगी वातघ्ने पोजये द्रसेहि. विच मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल नाड़ी, नाड़ी मीन्स वो एक प्रकार का स्वेदन है, वन ऑफ द 13 स्वेदन. सो अ पॉट फिल्ड विथ डिकॉक्शन एंड अटैच्ड विथ लॉन्ग हॉलो ट्यूब. सो ये जो हॉलो ट्यूब रहती है उसके द्वारा पर्टिकुलर पार्ट में स्वेदन वेपर जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं. और कुंभी स्वेद दैट इज एन एवर फिल्ड विथ डिकॉक्शन. सो वो स्वेद में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं दैट इज उदक आनुपम मांस रस को वार्म करके दिया जाता है और क्षीर को वार्म करके दिया जाता है. सो हियर आइदर विथ मीट सूप और एक्वेटिक एनिमल और एनिमल लिविंग इन मार्शी लैंड. देन नेक्स्ट इज क्षीरेहि स तिल तंडुलेहि मीन्स इसके अलावा मिल्क यानी कि क्षीर को तिला और तंडुल में मिक्स करके भी उसे वार्म करके गर्म करके वेपर जनरेट किए जाते हैं और नाड़ी और कुंभी स्वेद दिया जाता है. देन उसके बाद एक फर्दर उन्होंने मेंशन किया है नेक्स्ट लाइन में श्लोक नंबर 49 में दैट इज स्विन्नाम क उष्ण अंबु सिक्तांगी वातघ्ने भोजये द्रसे. विच मीन्स आफ्टर अनॉइंटिंग दी वल्वा और वजाइना मीन्स अभ्यंग कर्म किया जाता है ऑयल से, स्पेसिफिकली जो ऑयल सॉल्ट यानी कि लवण में मिक्स किया हुआ रहता है. देन अश्म प्रस्तर संकर स्वेदन, दिस इज अनदर टाइप्स ऑफ स्नेहन स्वेदन दैट इज अश्म प्रस्तर एंड संकर स्वेदन दैट इज हीटेड स्टोन दैट इज अश्म स्नेह स्वेदन, हीटेड रॉक दैट इज अश्म प्रस्तर स्वेदन, देन मिक्स्ड दैट इज हीटेड बॉल ऑफ ड्रग either wrapped और unwrapped with cloths. So, इस तरीके से ये तीन प्रकार के स्वेदन कर्म जो है वो किए जाते हैं. So, in total, according to चरक संहिता, नाड़ी स्वेद, कुंभी स्वेद, अश्म स्वेद, प्रस्तर एंड शंकर स्वेद जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं. Then next is according to अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र, ऑलमोस्ट सेम रेफरेंस है, जस्ट टाइप जो है वो स्वेदन का वो अलग दिया गया है दैट इज पिंड स्वेद एंड नाड़ी एंड कुंभी स्वेद. सो हियर पिंड मीन्स हीटेड बॉल ऑफ ड्रग्स जो है वो उसके द्वारा स्वेदन कर्म लोकली किया जाता है. इसके अलावा सुखोष्ण अंबु से वजाइना को परिशिक्त यानी कि वजाइना को वॉश किया जाता है और फुल बॉडी बाथ जो है वो एडवाइस किया जाता है. देन जांगल मांसरस दैट इज मीट और मीट सूप ऑफ एनिमल ऑफ मार्शी लैंड जो है वो उसके द्वारा ओरली भी दिया जाता है और उसे लोकली भी यूज किया जाता है. देन पिच्छु मेंशन किया है पिच्छु कर्म, तो पिच्छु के लिए गुडुचियादि एंड रासनादि ऑयल मेंशन किए हैं. जो स्पेसिफिक नेम जो है वो क्लासिक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ड्रग ये जो श्लोक आप देख रहे हो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट गुडुची से एंड दूसरा ये जो श्लोक है अष्टांग संग्रह का वो स्टार्ट हो रहा है रासना से, तो उसके अकॉर्डिंग हम गुडुचियादि और रासनादि ऑयल ऐसा नाम दे सकते हैं. सो दोनों क्लासिक्स में सेम रेफरेंस है, बट वाग्भट संहिता ने निदिग्धिका को व्याघ्री से सब्स्टिट्यूट किया है और उन्होंने सभी ड्रग्स की जो रूट्स है उसे यूज करने के लिए कहा है. सो हियर यू कैन सी रासना मालती छिन्नरूहा मधुक बला व्याघ्री देवदारू चित्रक युथिका मूले ही यानी कि सभी ड्रग्स के मूल को यूज करने के लिए बोला गया है. देन कल्क धारण सो हियर वजाइनल रीजन में कल्क धारण कराया जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल योनि में मसाज यानी कि अभ्यंग उन्होंने मेंशन किया है एंड हिमस्त्रा कल्क का धारण मेंशन किया है। चरक संहिता चिकित्सा 38 चैप्टर एंड अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 39-48 चैप्टर में। सो हिमस्त्रा कल्कम तु वातार्ता कौष्ण अभ्यंज्य धारयेत। देन बस्ती चिकित्सा, सो बस्ती जो है वो भी सेम गुडुची आदि ऑयल जो चरक संहिता के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और ऑयल मेडिकेटेड विथ जूस और डिकॉक्शन ऑफ सोर ड्रग्स शुड बी यूज्ड फॉर उत्तर बस्ती। तो यहाँ पे बस्ती मीन्स उत्तर बस्ती को लेना है, उसमें गुडुची आदि तेल से भी उत्तर बस्ती कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय वाते तैल अम्ल संयुता यानी कि वातहर एंड अम्ल ड्रग से प्रोसेस किए हुए ऑयल से उत्तर बस्ती दी जाती है। देन घृतपान, घृतपान के लिए भी ओरल यूज ऑफ घृत प्रोसेस्ड विथ सम ड्रग्स, उसके भी स्पेसिफिक नेम जो है वो मेंशन नहीं की है क्लासिक्स में, बट एज पर फर्स्ट लेटर वी कैन से काश्मीरी घृत, शतावरी घृत वी कैन से, एंड ये जो घृत है स्पेसिफिकली जो वातिकी योनिव्यापद में यूज होते हैं उन्हें गर्भद दोनों क्लासिक्स में मेंशन किया हुआ है, विच मीन्स इट इंक्रीजेस फर्टिलिटी और इट गिव्स प्रोजेनी। सो आजकल हम क्लिनिकली देखते हैं कि केसेस जो स्पेसिफिकली है AMH जो है पेशेंट का एंटी मुलेरियन हार्मोन वो रिड्यूस हो जाता है और जिसे हम रेफर करते हैं कि पर्सन की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये काश्मीरी घृत और शतावरी घृत का प्रयोग किया जा सकता है और उसके अच्छे रिजल्ट भी है। अलॉन्ग विद दैट वातिकी योनिव्यापद में भी इट इज वेरी यूजफुल। एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो है वो चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह एंड उत्तर तंत्र में अष्टांग हृदय में दैट वी विल डिस्कस। सो हियर बोथ वाग्भट्टा हैव सब्स्टिट्यूटेड काकनासा विथ शुकनासा। सो हियर यू कैन सी इन चरक संहिता काकनासा ड्रग उन्होंने मेंशन की है, जबकि अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय में उसकी जगह पे शुकनासा जो ड्रग है वो मेंशन की है। बाकी सब कुछ सेम है और ये प्रिपरेशंस जो है वो उसके नाम हम काश्मीरी आदि घृत और शतावरी घृत ऐसे दे सकते हैं, बाकी दोनों प्रिपरेशन सेम ही है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.